गाइज वेलकम टू फनाटिक्स गेमिंग, दिस इज रितिका एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो पबजी। सो गाइज आज एक नई चीज़ देखने को मिली है, द वीडियो रिव्यू स्टेशन। और उससे क्या होगा, उससे जो भी हैकर्स हैं वो बैन हो सकते हैं बहुत इजीली। और इस बार आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है जो कि आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैल ऐसे आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से जो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है पबजी वाले लेकर आए जिससे हैकर्स को बैन होने में और आसानी हो, लेकिन आई थिंक ये चीज़ और ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यूजली क्या होता है, अकाउंट बैन हो जाते हैं, जो हैक करते हैं उनके अकाउंट बैन हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी तो अकाउंट बैन नहीं होगा, अकाउंट के साथ साथ आपका डिवाइस भी बैन होगा। तो यार कोई भी हैकर हो नया अकाउंट बना सकता है, लेकिन बार बार नया डिवाइस खरीदना इट्स नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर बैन होगा तो सीधा अकाउंट भी बैन होगा और डिवाइस भी बैन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक नई चीज़ है जिससे क्या होगा, जैसे कोई बंदा है, उन्होंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है और उसके थ्रू आप देख सकते हो किस तरीके से रिव्यू जो है काम करेगा। सो यहाँ पे एक गेम प्ले जो है किसी का गेम प्ले डाला हुआ है, यहाँ पे रिपोर्टेड प्लेयर आप देख सकते हो अलग से मेंशन हुआ है। आपको नाम नहीं दिखेगा उस प्लेयर का, सो दैट आप फेयर जज करो। आपको कुछ उसके स्टैट्स नाम नहीं देख सकते, आप सिर्फ एक गेम प्ले एक वीडियो क्लिप मिलेगी जिसके बेसिस पे आपको जज करना है। ये वीडियो क्लिप जो है वो कुछ लोगों को लाइक रैंडमली किसी को भी जो है मिलेगी, और पता नहीं एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स को ये चीज़ जो है क्लिप देखने को मिलेगी, बट मेजॉरिटी जो है उस पर डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे मेजॉरिटी को लगा कि यहाँ पर कुछ भी उन्होंने इनमें से जो भी है चीट यूज़ करें, जो राइट हैंड साइड पे आप चार चीट्स देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे इन सब लोगों को लगे कि यहाँ पे हाँ इस तरीके की जो चीट्स हैं कुछ हैक्स हैं यूज़ हुए हैं, तो जो भी ये हैकर है उसका अकाउंट और उसका गेम प्ले जो है वो जाएगा पबजी मोबाइल ऑफिशियल जो है ऑफिशियल्स के पास जाएगा, वो रिव्यू करेंगे और वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि होगा कि नहीं। बट जो भी मेजॉरिटी गया, मेजॉरिटी अगर सबने बोला कि हाँ ये जो है हैक नहीं है नॉर्मल गेम है, तो वो ऑफिशियल्स के पास नहीं जाएगी, वहीं पर ही वो बंदा बैन नहीं होगा, वहीं से उसका नाम हट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मतलब मेजॉरिटी कह रहे हैं कि हाँ इसने हैक यूज़ करा है, सपोज़ यहाँ पे इनविंसिबल किल्स वाला जो है वो आपने सेलेक्ट करा हुआ है, जैसे अभी आप पे गेम प्ले देख पा रहे हो, यहाँ पे इस बंदे को पहले से ही हर एनिमी की लोकेशन पता है, तो यहाँ पे अगर आप इस बंदे को रिपोर्ट करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करके ही रिपोर्ट करना, वही करके आप सबमिट करना। अब इस प्लेयर का आप गेम प्ले देख सकते हो, यहाँ पे इसको ऑलरेडी पता है कि कौन सी लोकेशन होने वाली है एनिमी की, उसको पहले ही वॉल हैक के थ्रू सब पता चल रहा है कि कौन सा बंदा कहाँ पर है, और वो ऑलरेडी पहले ही वहाँ जाके पहुँच जाता है और लोगों को किल कर देता है। सो यहाँ पे इनविंसिबल किल्स का जो भी ए ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे जो कि मैं आगे बताती हूँ कैसे होंगे। बट आई थिंक एक अच्छी बात इस वीडियो फीचर की ये है कि आप किसी को उसके स्टैट्स के बेसिस पे उसके नाम के बेसिस पे जज करके नहीं बोल सकते हो, आपको सिर्फ एक गेम प्ले मिलेगा कुछ सेकंड का, उस गेम प्ले के बेसिस पे आपको जो है जज करना है कि वेदर वो हैकर है या नहीं है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, अब यहाँ पे चार हैक्स दिए हुए हैं, तो अगर इनमें से आपको कोई मिलता है मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा आपको कब सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इनविजिबल किल्स, और यहाँ पे अगर कोई भी वॉल हैक यूज़ करता है, एम बॉट यूज़ करता है, रिकॉयल कंट्रोल के लिए यूज़ करता है, या बुलेट हैक यूज़ करता है, किसी भी तरीके का हैक यूज़ करता है, तो आपको फर्स्ट चीज़ के अंदर रिपोर्ट करना है। और आई थिंक जो भी मोस्टली जो मेजॉरिटी हैं हैकर्स वो इनमें से ही ऑप्शन को ही यूज़ करते हैं, सो ज़्यादातर ऐसा होगा कि इनविजिबल किल्स में से ही आपको सिलेक्ट करना पड़े। देन उसके बाद है स्पीड हैक, ये भी शायद आपने एक्नॉलेज करा होगा, यहाँ पे स्पीड हैक्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जैसे व्हीकल की, पैराशूट की, नॉर्मल जो भी बंदा है उसकी उसकी स्पीड काफ़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो चीज़ भी है। अनरियलिस्टिक करके आप तब करेंगे, जैसे हाई जंप वाला है वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, फ्लाइंग व्हीकल्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, सो अगर वो होगा तो आप अनरियलिस्टिक में जाके रिपोर्ट करेंगे। और जो लास्ट है वो भी बहुत कॉमन है, लेकिन आप सोलो अगर गेम खेलते हो तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। सोलो में आपने देखा ही होगा जब भी आप ऑल पे जाके सुनते हो तो लास्ट सारे कहते रहते हैं टीम अप के लिए, तो टीम अप अगर आप करते हो तो टीम अप भी फेयर चीज़ तो नहीं है, क्योंकि आप सोलो खेल रहे हो और सोलो में आप डुओ की तरह खेलोगे दूसरे पे, तो फिर वो चीज़ जो है फेयर नहीं है, तो उसके अंडर भी आप रिपोर्ट हो सकते हो। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करो। और जो लास्ट वाला है कि उसके लिए कोई अलग से चीज़ लगानी नहीं पड़ रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। अगर आप सोलो गेम खेल रहे हो और आप ऑल पे जाके सुनोगे तो सारे टीम अप के लिए ही बोल रहे होते हैं, सो अगर आप टीम अप भी करते हो तो भी आपकी आईडी बैन हो सकती है। बहुत लोग आप पूछेंगे कि मेरी आईडी बैन हो गई तो क्यों हुई, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो आप
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार डिवाइस बैन भी आया है, तो टीम अप सोलो में मत करो, क्योंकि इससे आपकी आईडी जो है बैन तो होगी ही, साथ में आपका डिवाइस भी बैन हो जाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है। बाकी फर्दर यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। एक इसमें लास्ट रूल है जो मैंने आपको नहीं बताया, जैसे आप किसी के भी गेम प्ले को रिव्यू करते हो और वहाँ पे गेम प्ले में आपको कोई भी चीज़ ऐसे लगता है कि यहाँ पे जैसे कुछ हैक नहीं है, फिर भी आप अगर ऐसे रिपोर्ट कर देते हो कि हाँ इसमें ये भी हैक यूज़ हुआ है, इसमें वो भी हैक यूज़ हुआ है, तो आपका एक इनकरेक्ट जजमेंट माना जाएगा। और जितने ज़्यादा इनकरेक्ट जजमेंट्स आपके होंगे, उससे रिवॉर्ड्स तो इफेक्ट होंगे ही, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी बहुत नीचे चली जाएगी। और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपके जो भी प्रिविलेज जो आपको मिला हुआ है रिव्यू करने का, वो भी रिवोक हो सकता है, यानी आपकी जो भी आपको रिव्यू करने का मौका मिल रहा है, जो उससे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो भी आपसे चला जाएगा। तो आप जब भी कोई गेम प्ले देखते हो उसको फेयर रिव्यू करो, जो भी गेम प्ले दिया है वो एंड तक देखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में देख के ऐसा लग जाता है, आप एक एक उस पर कंक्लूजन पर उतर जाते हो कि हाँ इसने हैक करा है या नहीं करा है। सो आपको एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपके और ज़्यादा करेक्ट जजमेंट्स हों, और जितने करेक्ट जजमेंट्स होंगे यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ आपकी जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है, जितने आपके करेक्ट जजमेंट्स होते हैं यहाँ पे आपको उस अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे रिव्यूअर लेवल करके है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने ज़्यादा आप रिव्यू करते जाते हो, जितने ज़्यादा आप रिव्यूज़ देते हो, अब इसमें क्या है लेवल बढ़ाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लेवल बढ़ा रहे हो तो आपके जजमेंट्स वेदर इट इज़ करेक्ट और इट इज़ इनकरेक्ट, आपके दोनों कुछ भी हो, आपके फिर भी लेवल जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ रिव्यू टाइटल के बारे में, तो यहाँ पे आपको एजी करेंसी मिलती जाती है ओनली ऑन द करेक्ट जजमेंट्स, और आपकी अगर एक्यूरेसी जितनी लिखी है उतनी मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे जैसे 50% है, तो अगर आप 100 रिव्यूज़ दे रहे हो उसमें से 50 बार सही है 50 बार गलत है, तो उस बेसिस पे होगा। वैसे ही उस तरीके की एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही है साथ साथ, और आप देख सकते हो रिवॉर्ड्स भी बढ़ते जा रहे हैं साथ साथ, और जितने आपके करेक्ट जजमेंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑब्वियसली आपको जितने ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, आपकी जजमेंट्स ज़्यादा करेक्ट होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, और आपको जो है रिव्यू टाइटल मिल जाएगा। ये चीज़ मैं फिर से बोलूँगी कि लेवल के लिए आपको करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके इनकरेक्ट भी होते हैं, एक्यूरेसी का लेवल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो आपकी करेक्ट जजमेंट्स होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर लेवल और टाइटल तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी फ़िलहाल मैंने एक बार भी इसको जज नहीं करा है, रिव्यू नहीं करा है, सो अभी सब कुछ 0-0 लिखा आ रहा है। यहाँ पर स्टार्ट रिव्यू का एक ऑप्शन है, तो स्टार्ट रिव्यू मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि अभी द वीडियो रिव्यू स्टेशन इज़ अप एंड रनिंग बिकॉज यू आर अ हाई टीयर एंड एक्यूरेट इन रिपोर्टिंग चीटर्स, यू आर इनवाइटेड टू बी एन इंस्पेक्टर, विल यू अप्लाई फॉर द रोल। तो आप यहाँ पे ओके कर दो, और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, उसके बाद वो भेजेंगे तो ही आप जो है आगे रिव्यू कर पाओगे, बाकी इसमें आपको और कोई चीज़ें नहीं करनी है। हाँ एक चीज़ है कि अगर आप एक वीक के अंदर 21 जजमेंट्स करेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको हर वीक 3 क्लासिक के क्रेडिट कूपन बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, सो अभी वेट करते हैं जब तक उनके वहाँ से फीडबैक आता है, और फीडबैक आएगा तो आपके पास फिर उसके बाद गेम प्लेस आने स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसको रिव्यू करना है, और ये सारे रिवॉर्ड्स आपको लेवल पे भी मिलेगा और टाइटल पे भी मिलेगा, और आपको एवरी वीक जो है यहाँ पे क्रेडिट कूपन्स भी मिलेंगे। सो आई फील मैंने बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस फीचर को लेके मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन। इस वीडियो पे भी एम फॉर 180 लाइक्स, तो ज़रूर से कंप्लीट करवा देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।